उस पर सारे हमारे सदस्य लोगों ने, हम लोग जो भी विपक्ष के लोग थे, उनसे बोले कि यह संसदीय भाषा गलत है, इस पर वो माफ़ी मांगे। समाज कल्याण मंत्री जी ने जो असंसदीय भाषा का उपयोग किए हैं, इसके लिए वो खेद प्रकट करें। हम लोग नए लोग को बार बार दबा दिया जाता तो हम लोग सीखेंगे नहीं, हम लोग अपने बात को रखेंगे नहीं, तो हम जनता किस लिए यहाँ भेजिए सर? देख रहे हैं आपके साथ रणवीर सिंह, जिस तरीके से सदन चल रहा था और सदन के दौरान क्या कुछ हुआ सर, जो आप लोगों का सदन स्थगित? आज हम लोगों के महबूब अली साहब ने पेंशन के बारे में उन्होंने सदन को रखे, उस पर समाज कल्याण पदाधिकारी जो मंत्री थे हमारे मदन साहनी जी ने, उन्होंने असंसदीय भाषा का उपयोग किए, उस पर सारे हमारे सदस्य लोगों ने, हम लोग जो भी विपक्ष के लोग थे, उनसे बोले कि यह संसदीय भाषा गलत है, इस पर वो माफ़ी मांगे। आज वो माफ़ी नहीं मांगे हैं और ये हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी माफ़ी मांग रहे थे, वो खेद प्रकट किए। लेकिन हम लोग बोले कि जब तक समाज कल्याण मंत्री जी इस बात को खेद प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस सदन को नहीं चलने देंगे। इस सदन को हम लोग वॉकआउट करते हैं। सारे सदस्यों ने यही मांग की है कि समाज कल्याण मंत्री जी ने जो असंसदीय भाषा का उपयोग किए हैं, इसके लिए वो खेद प्रकट करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जो आज पेंशन बूढ़ा बूढ़ी का लोगों को था, जो माताओं बहनों सदस्यों को लेकर लगातार सवाल। हाँ, ये हमारे स्पीकर साहब के द्वारा बार बार बोला जाता है कि नए सदस्य जीत के आए हैं, नए सदस्य, हम लोग भी नए आए हैं, 104 नए सदस्य आए हैं, हम लोग यहाँ पे 104 नए सदस्य आए हैं, और ये जनता का अपमान है, जो जनता हम लोगों को जिता कर यहाँ भेजी, वो 104 नए सदस्य है, और ये युवा पीढ़ी का और नए लोगों को जो भेजने का जनता काम किया है, ये बदलाव है। आप क्या बोल रहे सर कि नए सदस्यों को बार बार टोका टोका जा रहा है? नए सदस्यों को बार बार टोका जाता है कि आप नए सदस्य बैठ जाइए। अरे नए सदस्य हैं तो हम अपना समस्या को रखेंगे ना, अपने क्षेत्र की समस्या को रखेंगे। नए और पुराने में अंतर क्या है? हम दूसरे प्रक्रिया से जीत कर आए हैं, हम लोग भी तो उसी प्रक्रिया से जीत कर आए हैं जो पुराने सदस्य जीत कर आए हैं। तो हम लोग नए लोग को बार बार दबा दिया जाता तो हम लोग सीखेंगे नहीं, हम लोग अपने बात को रखेंगे नहीं, तो हम जनता किस लिए यहाँ भेजिए सदन में? सदन में आज हंगामा भी काफी हुआ। सदन में हंगामा हुआ, हमारे समाज कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री इस प्रकार से उनका असंसदीय शब्द निकला, वैसा मर्यादा को मानहानि पहुंचाने का हम लोग का काम किए, तो हम लोग क्यों ऐसे सदन को, हम लोग अपने मानहानि के लिए हम सदन में आते हैं, हम लोग क्यों सदन चलने दें? जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, तमाम जो नए विधायक हैं वो यहाँ थे मौजूद, और उन्होंने बताया कि असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, इसीलिए आज कार्य जो है वो स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री और जो तमाम जो नए मंत्री हैं, उन्होंने सदन में जिस तरीके से बात किया उसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल है, उन्होंने आज सदन स्थगित कर दिया है। बरन न्यूज़ के साथ नमस्कार।